ये क्या कर रहे हो हर्षवीर? चोरी करके बटर खा रहा है। क्या कह रहा है? चोरी करके बटर खा रहा है। अच्छा अभी आप क्या बने हो? इधर आके खाओ ना चोरी करके। ये आपको किसने बताया कि कृष्ण जी चोरी करके बटर खाते हैं? इसमें तो बटर नहीं है, आप तो एक्टिंग कर रहे हो। खा लिया बटर? फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बक्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आप सभी मेरे प्यारे फ्रेंड्स को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि ये त्यौहार आपके लिए खुशियों भरा त्यौहार हो। तो अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं भी बस अब जोत जलाने जा रही हूँ और कृष्ण जी को तैयार करूंगी, लड्डू गोपाल जी को, और झूले में बिठाऊंगी। तो आज मेरा जो छोटा सा लड्डू गोपाल है ना, इसको भी कृष्ण जी बनना था। मैंने दूसरे कपड़े निकाले थे पहनाने के लिए, तो उसको वो नहीं पहनने थे। जो आपने अभी देखी थी मटकी, ये मटकी इसको स्कूल से मिली थी डेकोरेट करके, तो उसमें से मैम ने इसको सिखाया कि जो कृष्ण जी थे वो चोरी करके बटर खाते थे, तो ये तब से कृष्ण जी बनके चोरी करके बटर खा रहे हैं। तो मैंने भी अपना सिर धोया था, तो मैंने बाल टाई कर लिए, क्योंकि जब आप पूजा करते हो ना तो ऐसा कहते हैं कि बाल बांध के पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपसे सुबह मिली थी और अभी शाम के 6:45 हो गए हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया बीच में। कुछ ना कुछ कर रही थी बस ऐसे ही। तो अब मैं बना रही हूँ भगवान जी का प्रसाद, क्यों पंजीरी बनाते हैं ना भगवान जी के लिए, वो बनाने लगी हूँ। और यहाँ मेरे साथ में मेरे भगवान जी भी बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सजा हुआ ना ये मंदिर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं इस समय। ये मेरे भगवान जी, और 12 बजे तक अभी झूले में ही बैठेंगे, समय भोग लगा के और फिर भगवान जी को सुलाएंगे। और यहाँ मैंने जोत जला रखी है, तो एक अच्छा सा माहौल लग रहा है घर मेरा, बहुत सुंदर सा। और एक तो ये झूला भी इतना प्यारा है ना, कि बहुत अच्छा सा एक माहौल, पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है घर में। यहाँ पर मैंने पंजीरी बनाने की तैयारी कर ली है, तो काजू बादाम लिया है मैंने, जिनको मैंने काट लिया है चाकू से। और यहाँ मैंने लिया है बड़ा कटोरा मखाने, 400 ग्राम के करीब मेरी सूजी है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब ये नारियल का बूरा लिया है, और साथ में लिया है मैंने ये गोंद, जो गोंद जलेबी गोंद कहलाती है ना, ये वो वाली है, थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, ये ऐसे होती है। और मैंने लिए हैं ये मगज, ये खरबूजे के हैं, ये वो लिए हैं। और ये
भूरे का नया पैकेट है, इसलिए भी जितना मुझे यूज करना होगा ना उतना ही तब मैं खोलूंगी इसको भी। और साथ में जो हमें बनाने के लिए चाहिए होगा वो घी चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई गर्म कर लूंगी और इसमें घी डालूंगी सूजी भुनने के लिए। ये कम से कम होगा 3 बड़े चम्मच के करीब। पंजीरी बना रहे हैं तो घी अच्छा ही डालिए। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, गर्म नहीं करना है हमने इसको, सिर्फ घी को पिघलाना है। और जैसे घी पिघलेगा इसके अंदर हम सूजी डाल दें। घी पिघल गया है, अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ और इसको अब मैं अच्छी तरह भून लूँ। कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और साथ में खुशबू भी आने लगती है सूजी की, तो पता चल जाता है कि सूजी भुन गई है। तो इसको हम सिम फ्लेम पर ही भुनेंगे, इसीलिए मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। इसके साथ में जो और सारी तैयारी है वो भी करती रहूंगी, तो ये भी भुनती रहेगी साथ साथ। और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी बड़ा। और इस घी को गर्म कर दूंगी, पैन में घी गर्म कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोंद। तो अब गोंद को ना फूलने तक हमने फ्राई करना है, ये फूल जाएगी एकदम और क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो कोई कोई रह जाती है ना तो वो मुंह में आती है तो चुपती है। तो हमने इसको अच्छी तरह फुलाने तक इसमें फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फूलने भी लगी है बीच बीच में। यहाँ मैं सूजी भी हिलाती रहूंगी क्योंकि ये भी लगनी नहीं चाहिए ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह फूलने लगी है। तो अगर आपको जलेबी गोंद नहीं मिलती है ना तो आप नॉर्मल गोंद जो आती है ना वो भी ले सकते हैं, और अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छी रहती है ज़्यादा। ये बिल्कुल फूल गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी में अब मैं दोबारा घी गरम करूँगी। दोबारा से इसमें 1 चम्मच घी जाएगा और अब मैं इसके अंदर काजू बादाम डालूंगी। अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्के से गोल्डन ब्राउन। और यहाँ मैं सूजी भी हिला रही हूँ। सूजी को मैंने आराम से सिम पे ही रखा हुआ है क्योंकि मैं भी फिर आराम से अपना काम कर पाऊंगी ना, तो ये भी धीरे धीरे ऐसे रोस्ट हो जाएगी तब तक घी में। तो मैंने इनको ऐसे मोटा मोटा रखा है ड्राई फ्रूट को। आप चाहे तो इसको और भी दरदरा कर सकते हैं, और अगर आपने और भी इसको दरदरा करना है ना तो पहले इसको साबुत घी में रोस्ट कर लीजिए और बाद में इसको जो इमाम दस्ता होता है या जो ओखली होती है ना छोटी सी, उसमें आप फूट सकते हैं इसे, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका भी कलर बदलने लगा है, बस खुशबू आने लगती है वैसे भी हर चीज की, जैसे वो होने लगता है और कलर चेंज होने लगता है तो पता चल जाता है कि हमारी जो भी चीज है वो डन हो गई है। तो अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूंगी, ये अच्छी तरह से घी में रोस्ट हो गए हैं। अब मैं फिर से इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आपने जो जो चीजें रोस्ट करनी है ना घी में, जो भी इसमें फ्राई तलना है घी में, तो 1-1 चम्मच घी तो डालेगा ही, तभी होगा। तो इसको भी हम बस गर्म ही है हमारी कढ़ाई, मैं मखाने डाल दूंगी, मखाने करेंगे इसके अंदर। तो इसको भी हम घी में रोस्ट कर लेंगे और ये भी ब्राउन हो जाने चाहिए, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन। तो इसमें अभी तो ये क्या होता है, ऐसे कच्चे होते हैं खाने में, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे घी में रोस्ट करते हो या फिर ड्राई रोस्ट भी कर लेते हो ना, ये क्रिस्पी हो जाते हैं। मतलब भुजी की भी खुशबू आने लग गई है, लेकिन अभी ये कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको सिम पे कर रखा है ना। और फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी सारी चीजें घी में रोस्ट करी है सिम फ्लेम पे ही करी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से इन चीजों का कच्चापन जो होता है ना वो दूर हो जाता है। और जो ये मखाने हैं ना कढ़ाई में डालते हैं तो बड़े फूले फूले से होते हैं, जैसे ही ये रोस्ट होने लगते हैं ना वैसे इनका साइज छोटा होने लगता है। अभी देखिए ये छोटे होने लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो चुके हैं और ये इन पर भी एक ब्राउन ब्राउन सी परत आ गई है, तो मतलब ये हो चुके हैं। बस अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। और यहाँ पर भी मैं घी डाल रही हूँ, तो अभी थोड़ा ऐसा डाल रही हूँ, 1 चम्मच से कम है ये। और इसमें जो हमारे मगज थे ना ये वाले, तो ये अंदाजे से एक बड़ा चम्मच ही डाल रही हूँ, को भी मैं रोस्ट कर लूंगी। इसमें मैंने कम घी इसीलिए डाला है क्योंकि मैं इसमें हल्का सा नारियल का भूरा चलाऊंगी और नारियल में तो अपना ही ऑयल होता ही है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला था। और इसको ज्यादा नहीं चलाना है। तो बस घी में जितनी रोस्ट करनी थी चीजें मैंने कर ली हैं। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और यहाँ मेरी सूजी भी हो गई है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब मैं इसको एक पतीले में निकाल लूंगी, सारी चीजें मैं इसमें मिलाऊंगी। सबसे पहले तो ये जाएगी सूजी। तो भगवान जी का जो प्रसाद होता है ना वो बिना चखे बनता है, आपने कोई चीज चखनी नहीं होती, बिल्कुल सुच्चे तरीके से बनाना होता है। कितनी है क्या है सब अंदाजे से ही डालेंगे। तो सूजी मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी ये नट्स डालूंगी, डाली है और काजू बादाम डाल दिए हैं, मगज भी डाल दिए खरबूजे के बीच। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी नारियल का भूरा और मिक्स करते जाएंगे साथ साथ इन सब चीजों को। और अब मैं इसमें डालूंगी गोंद। गोंद जो डालेंगे ना इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे क्रश करके इसमें डालते जाएंगे।
आप चाहें तो कूट भी सकते हैं। कैसी आवाज आ रही है ना, देखो कितनी क्रिस्पी हो गई थी। तो सारी गोंद मैंने क्रश करके डाल दी है और अब मैं मखाने डाल रही हूँ क्रश करके। हाथ से कर लो, और ये हाथ से अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे भी रहते हैं। तो ये सारे मखाने देखिए फ्रेंड्स मैंने क्रश कर लिया, गोंद भी क्रश करके डाली है हाथ से। पहले मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें चीनी का बूरा मिलाऊंगी। वो मैंने वीडियो ही नहीं ऑन करी थी और मैंने चीनी का बूरा डाल दिया, तो मैंने इसके अंदर एक कटोरी के करीब चीनी का बूरा डाला ये वाली, और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। और इसमें चीनी के बूरे के अलावा ना वो भी बहुत अच्छा लगता है, जो खांड होता है ना देसी खांड, वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और क्या होता है कि जो गुड़ का बूरा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी के बूरे की बनाई है, तो कोई बात नहीं, आप चीनी की बूरे के भी बना सकते हैं, अच्छी बनती है, ऐसी बात नहीं है। तो अब बस अच्छी तरह मिला लेंगे और हमारी पंजीरी तैयार हो गई। और अभी चखना नहीं है हमने बिल्कुल भी, भगवान जी का प्रसाद बनाया ना, पहले वो खाएंगे उसके बाद इसको हम खाएंगे। पंजीरी बन के तैयार हो गई है और मुझे पता है ये बहुत डिलीशियस बनी होगी, क्योंकि मैं इसको हर साल बनाती हूँ और हर साल ही ये बहुत स्वाद बनती है। तो फ्रेंड्स पंजीरी बनके तैयार हो गई है और अब बस भोग लगना ही बाकी है, तो बस भोग भी लग जाएगा रात को 12 बजे। और यहाँ पर ना मैंने एसी भी ऑन करके रखा है क्योंकि मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी, देखो फिर भी पसीने आ गए। तो ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो मैं किनारी बाजार से लाई थी ना अपने घर को सजाने के लिए, वो मैंने कहाँ लगाया वो दिखाती हूँ। मैं आपको लाई थी किनारी बाजार से, वो मैंने यहाँ लगाया है और इसमें लाइट जल रही है, अच्छा लग रहा है। जब मैं इसको लाइट ऑफ करती हूँ ना तो ये और भी अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने कैंडल लगा दी है। थोड़ी थोड़ी चीजों से ही घर का लुक एक नया सा हो जाता है, तो ये ऐसा लग रहा है। और ये हर्षू जी आ गए हैं बीच में, तो अब मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है, लाइट ऑफ करके इसका लुक ज्यादा अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स अब 8 बज चुके हैं और बस तैयार होके अब निकलेंगे अपने आसपास के मंदिर देखने के लिए, क्योंकि त्यौहार होते हैं ना अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए मनाए जाते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है मंदिर जाना, मंदिर सजे हुए देखना, त्योहारों की रौनक देखना, तो बस इनके लिए ही जाते हैं। और हम भी तो बचपन में जाते थे ना, अच्छा लगता था, तो हमारे मम्मी पापा भी मंदिर लेके जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था बाहर की रौनक देखना। और हर कोई कुछ ना कुछ बना होता था छोटे बच्चे, तो मैं भी बनी थी मंदिर में। आप बताइएगा कि आप बनते थे कि नहीं, मैं भी बनी थी, मैं राधा भी बनी थी एक बारी और मैं एक बारी सीता भी बनी थी। तो बस अभी निकलने लगे हैं और बस फ्रेंड्स अब मैं वीडियो का एंड करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।